स्वागत है। और मैंने ये सिंपल सा मेकअप लुक तैयार किया है ये रक्षाबंधन के लिए। और आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैंने प्राइमर की जगह एलोवेरा लगाया है क्योंकि मेरे पास प्राइमर नहीं है, अभी ख़त्म हो गया है। तो प्राइमर लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि प्राइमर क्या है कि फेस के लिए हम लगाते हैं तो पिंपल नहीं आते हैं और हमारा मेकअप अच्छी तरीके से उभर के निखर के आता है, इसलिए प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी। मैंने पहले से ही फेस क्लीन करके थोड़ा सा मॉइस्चराइज लगाया हुआ था। और मैं अक्सर, मेरे पास होता है कि जब प्राइमर नहीं होता तो मैं एलोवेरा ही यूज़ करती हूँ। ये देखिए, मैंने चूड़ी पहन ली है, अभी चूड़ी पहन लिया है और मैं ऐसा ही मेकअप करने वाली हूँ रक्षाबंधन पे। आई होप आप लोगों को पसंद आए। और देखिए, फिर उसके बाद में मैंने ये लैक्मे का 9 to 5 वो बीबी क्रीम लगाया है। मेरे पास फाउंडेशन भी अभी नहीं है क्योंकि मेरा सामान सब चला गया है, शिफ्ट हो गया था जब मैं, तो अभी मैं यहाँ लॉकडाउन में थी तो इसके लिए मेरा सब सामान चला गया था, तो जो है उतने में ही मैं मेकअप कर रही हूँ। और अगर अंडर आई के लिए थोड़ा सा क्या है कि डार्क सर्कल छुपाना है तो यहाँ पे 2 कोड लगा लेना। उसके बाद में अच्छी तरीके से मैं हाथ से ही ब्लेंड कर रही हूँ। वैसे क्या है कि क्रीम तो हाथ से ही लगा लो तो ज़्यादा बेटर होता है और अच्छा भी लगता है। और देखिए, इस तरह से धीरे धीरे मैं अपने हाथ से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी और थोड़ा सा मैं सेट रहने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद में इस तरह से मैं कर ले रही हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग भी इसी तरह से मेकअप करिए जिनके पास कम सामान हो। और ये देखिए, मेरा ये फाउंडेशन मतलब बीबी क्रीम कंप्लीट हो गया। इस तरह से थोड़ा सा डैब 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 करके सेट कर लिया मैंने। उसके बाद में अंडर आई के पास आप डार्क सर्कल है तो 2 बार लगा लोगे तो उसमें क्या है कि कवरेज आ जाता है नॉर्मली। उसके बाद में पाउडर लगाना मतलब सेट कर लो पाउडर से, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है, पसीने बहुत आ रहे हैं सबको, तो क्या है उसको सेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा पाउडर लगा लिया है। मेबेलिन न्यूयॉर्क का पाउडर है ये, मेरे पास पहले से ही पड़ा था। और मेरा तो कोई रिव्यू है नहीं, मेरा खुद का जो सामान है मैं उसी से मेकअप कर रही हूँ। तो इस तरह से पाउडर हल्का सा हल्के हाथों से डैब 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 करते हुए सेट कर लेना है अपने मेकअप को। यहाँ पे हमारा मेकअप थोड़ा सा सेट हो जाएगा अच्छी तरीके से और कवरेज दे ही देता है ऑलमोस्ट। जैसे फेस पे कुछ है नहीं तो हो जाता है कंप्लीट बीबी क्रीम से ही फाउंडेशन। तो हमें तो क्या है कि रक्षाबंधन फेस्टिवल है तो लाइट मेकअप चाहिए, हैवी मेकअप तो चाहिए नहीं उस लाइट मेकअप करने के लिए। और मैंने ये सूट पहना है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? पसंद आए तो कमेंट में बताना कि किस तरह से लग रहा है ये सूट मेरा। और मैं उसके बाद में ये लाइनर है मेरे पास, स्केच लाइनर है और मुझे वैसे पसंद है। मेरे पास लैक्मे का लिक्विड लाइनर था, वो मुझे मिल नहीं रहा था, मेरा बच्चा कहीं गुम कर दिया है तो मिल नहीं रहा है। इस तरह से मैं लाइनर लगा दी। और आप लोग ये बताना ज़रूर से कि लाइनर लगाना थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। वैसे मैं लगा लेती हूँ लेकिन ऐसे कैमरे के सामने वो शीशा लेके नहीं, मैं खड़े होके लगा लेती हूँ। उसके बाद में लाइनर लगा लूँगी मैं इस तरह से। मैं थोड़ा सा स्लो स्लो, क्योंकि मैं फास्ट नहीं की हूँ फास्ट मोड पे, थोड़ा धीरे धीरे मैं दिखा रही हूँ किस तरह से मैं लाइनर लगा लिया है। और थोड़ा सा विंग लाइनर तो और भी अच्छा लगता है क्योंकि आँखों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो ये देखिए, हमारा लाइनर भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि शीशा ले लिया है बड़ा सा इसके लिए दिखाने में, और क्या है कांच में फाउंडेशन पाउडर वाले में कांच टूट गया है, तो इसलिए मैं इसमें दिखा दे रही हूँ आपको। ये देखिए, हमारा लाइनर कंप्लीट हो गया। पता नहीं यहाँ पे लाइट भी थोड़ी सी कमी है, एक ही लाइट जल रही है छोटी सी, वो भी इसी तरह हम दूसरे को भी लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मेरे पास काजल है, उसका मैं लैक्मे आइकॉनिक काजल है मेरा, तो ये मैं काजल लगा ले रही हूँ लैक्मे का आइकॉनिक का।
और ये बहुत ही अच्छा है, बोल्ड है, लैक्मे का आइकॉनिक बोल्ड, और बहुत डार्क है, लगा लो तो 10-12 घंटे तो टिका ही रहता है, कंप्लीट रहता ही है और निकलता नहीं है। तो ये मैं काजल लगा ले रही हूँ इसी तरह से दोनों आँखों पे, और लाइट यहाँ पे थोड़ी सी कमी है तो माइंड मत करना, एक ही लाइट जल रही है क्योंकि दूसरी वाली पता नहीं क्यों ख़राब हो गई, क्या हो गया, जल नहीं रहा है, तो मैंने एक ही लाइट में काम किया है और इसलिए अच्छा सा दिख भी नहीं रहा है शायद। तो ये हो गया, हमारा काजल कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हम लगाएंगे, थोड़ा सा स्मच कर लेंगे काजल को, तो क्या है कि वो एकदम वो नहीं लगता है तो अच्छा लगता है, स्मच रहता है तो। और ये पेंसिल है, कलर पेंसिल है, मैं इसका आईब्रो में यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत डार्क नहीं है, ब्राउन शेप, मतलब ब्राउन इसका शेड है, तो क्या है कि, और मैं आईब्रो नहीं बनवाती हूँ, मैंने आईब्रो सिर्फ 2 ही बार अपने लाइफ में बनवाया है, मैं आईब्रो कभी भी मतलब निकलवाती नहीं हूँ, और ऐसे ही सिंपल सा कर लेती हूँ, तो इसी से सेट कर लो तो अच्छा लगता है, और थोड़ा सा क्या है अपने आईब्रो को सेट कर लो तो थोड़ा सा क्या है बहुत अच्छा लुक आता है हमेशा, और अपने लिप्स को भी थोड़ा सा मैंने मॉइस्चराइज पहले ही कर लिया था क्योंकि लिपस्टिक लगाओ तो थोड़ा सा क्या है कि ड्राइनेस ना हो, तो क्रीमी वाला लिपस्टिक लगाओ तो वो अच्छा रहता है। तो ये देखो मैंने आईब्रो अपने हाथों से ही सेट कर लिया है, मेरे पास कुछ है नहीं मेकअप का प्रोडक्ट ज़्यादा भी, जो है बस इतने में ही सिंपल सा मेकअप मैं कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत जो है वो मेरा सामान शिफ्ट हो रहा था गुड़गांव, तो मैं वहाँ पे मेरा चला गया है, और मैं यहाँ कोरोना आ गया और यहीं पे मैं लटक गई 7-8 महीने से, यहीं अभी हूँ ससुराल में। ये देखिए मेरे पास लैक्मे का लिपस्टिक है, वो मैं लगा रही हूँ, और ये मुझे बहुत पसंद है, रेड कलर है इसका, रेड रस्की रेड है आई थिंक, मुझे याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया लिए, करीब 1 साल जितना। और यही मेरे पास 2-3 लिपस्टिक भी है, ज़्यादा लिपस्टिक भी नहीं है, कौन कौन ऐसा है जिसके पास 2 या 3 लिपस्टिक होगा और एक 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 मेकअप का सामान होगा, मेरे पास तो बस इतना ही है, एक एक मेकअप का सामान है, एक फाउंडेशन, एक क्रीम और एक ऐसे ही सब है, और एक काजल, इतने में मेरा काम हो जाता है, मैं मेकअप ज़्यादा करती नहीं, कभी कभी कर लेती हूँ, और मुझे ज़्यादा इतनी अच्छी तरीके से आता भी नहीं है, प्रोफेशनल टाइप का नॉर्मल कर लेते हैं हम घर में जैसे करते हैं, कहीं जाना आना भी हो तो भी कर लेते हैं तो आ जाता है। और मैं सिंदूर थोड़ा सा लगाऊंगी, और क्योंकि अपने इंडियन कल्चर में तो सब मानती हैं कि सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, ये तो कंपलसरी होता ही है, तो ये सब करना भी चाहिए, जितना फैशन है उस हिसाब से नहीं जाना चाहिए थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने बिंदी छोटी सी लगा ली है, और मैं ब्लशर भूल गई थी, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला ब्लशर है वो मैं लगा रही हूँ, मुझे नाम भी याद नहीं, इसका मिट भी गया है तो मैं बता नहीं पाऊँगी कि कौन सा है, बट ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ये मैं लगाती हूँ थोड़ा सा ब्लशर, और हाइलाइटर भी मेरे पास अभी नहीं है, जो था वो सब थोड़े से मेकअप मेकअप किट वो तो मेरा चला ही गया है, अभी यहाँ पे है नहीं, गुड़गांव चला गया है, तो इतने से मेकअप में मैं सब कर लूँगी। और ये देखिए मैं थोड़ा सा अपने कंघी कर लूँगी, और गर्मी बहुत है तो बाल खोल के रखना तो मेरे बस की तो बात नहीं है भाई, आप लोग भी काम रहता है और बाल खोल के रखो तो नहीं हो पाएगा, तो गर्मी इतनी है तो मैं तो कंघी करके चूड़ा बनाने वाली हूँ, और ये देखिए मैंने मेरा चूड़ा कंप्लीट हो गया, और अगर आप लोगों को मैंने इस तरह से सिंपल लुक किया है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।